श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खेलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी है। यह कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य क्यों? वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वो है पूरा करे। लेकिन इस समय जो भी है इसका सम्मान करे और खुश रहे। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद करो। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपके नींव मजबूत बनते हैं। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचान है, इससे आपके चरित्र मजबूत बनती है। तो दूसरों को माफ करते हैं, वो खुद से प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहा है और अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला रहा है। यदि कोई यहाँ पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव और आपसे विश्वास करता है। कामयाबी सिर्फ वही जो आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हैं। फिर कामयाबी तो वो है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वो भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसा का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी से भरने बनाया है जिसने दूसरों को। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत खुद करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की जरूरत होती है, और बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़े। जो जल्दी बाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए और ना किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। और सफलता का मतलब ये नहीं ये आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि वो सफलता का साफ मतलब कि आपको इसमें सुधार और संशोधन की जरूरत। देखो, समझो और सोचो और फिर कोशिश करो। जब तक सफल होने ही जाते हैं। रिश्ते मुट्ठी में रेत के सामान होते हैं, जोर से पकड़ तभी सड़क जाते हैं और धीरे छोड़ो तब भी। इसलिए संभल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन। लोग तो आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं आप क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसान तरह का जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई हमारा मित्र हो ही नहीं सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीद एक कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथ ही और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करनी आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वो नहीं है जिन्हें समय या समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब समय चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदार व्यक्ति जब संबंध माना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए ये तुम्हारा से भाग है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए इस धरातल पर जन्मा मनुष्य बहुमूल्य। यदि जीवन में दुख हो तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए
कभी हिम्मत मत हारो, एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ा कर के तो देखो रास्ते स्वयं आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो, लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कभी तो लोग इस बारे में भी निकाल देते हैं तो आप क्या चीज हो। अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। आता कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा से बहुत कुछ होता है, और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझता है अंत में उसके पास कुछ भी नहीं होता। समय का सदुपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी कमाया नहीं जा सकता। आता समय का सही उपयोग करना सिर्फ। देखते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही। होते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।